चिकन शाही रोल जो बहुत ही लजीज और शानदार होते हैं। खाने में भी इस शाही रोल का टेस्ट नेक्स्ट लेवल का होता है, बहुत ही लजीज। ये देखिए कितना चीजी जूसी बनकर तैयार होता है, शाही चिकन रोल इसे कहा जाता है, जो खाने में बहुत ही लजीज और बनाने में बिल्कुल आसान। तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शाही चिकन रोल बनाने के लिए हमें इन सभी इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करके लेना होगा। इस ब्लेंडर में हम इन चिकन्स के क्यूब्स को ऐड करेंगे, इसी में सॉल्ट को ऐड करेंगे, हर्ब्स ऐड करना होगा, गरम मसाले पाउडर को भी ऐड करेंगे, हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी ऐड कर देंगे, इसी में कोरिएंडर लीफ को ऐड करके इन सभी को ग्राइंड करके ले लेंगे। उन सभी इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करके ले लिया है, अभी इसमें हम चिली फ्लेक्स का यूज करेंगे, इसी में मेल्टेड बटर को ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बटर के ऐड करने से ये काफी जूसी बनकर रेडी होगा। अभी इसे हम मैरिनेट करने के लिए रखने वाले हैं। इसे हमें फ्रीज करना होगा 10-15 मिनट्स के लिए, अभी इसे हमें फ्रीज करना होगा। इसके बाद में हम इसके रोल रेडी करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है, आज शाही रोल बनने वाले हैं हमारे इंडियन मास्टर शेफ चैनल पर। इसे अभी मैं फ्रीज कर लेती हूँ 10-15 मिनट के लिए, इसके बाद आपसे मिलती हूँ। 10-15 मिनट हो चुके हैं गाइस, मैरिनेटेड चिकन फ्रीज हो चुकी है। तो अभी हम रोल बनाने के लिए इस अंडे को भी फेट कर ले लेंगे, इसलिए मैंने इस अंडे को अच्छे से फेट कर रेडी कर ली हूँ। चिकन रोल बनाने के लिए मैंने हाथों पर ऑयल अप्लाई की हूँ और इतनी साइज का मैंने चिकन की बैटर से मैंने इतना ले ली हूँ और इसे अच्छे से मैं गोल कर लूंगी। इस तरह का बॉल रेडी हो चुका है गाइस। बॉल से अभी हम रोल बनाना स्टार्ट करेंगे। हमें इस तरह का रैपिंग प्लास्टिक पेपर लेना होता है, तो मैंने इसे ले ली हूँ। इसमें हम ऑयल अप्लाई करेंगे और इसे टर्न कर लेती हूँ कि मुझे फोल्ड करने में इजी हो जाए। मैं इस तरह से कर लेती हूँ। इस बॉल को रखेंगे इस तरह से, इस पर कवर कर देंगे और अच्छी तरह से इसे पुश करते जाएंगे, हर जगह से पुश करेंगे। हल्के हाथों से हमें इसे इस तरह से पुश करना होगा। ये जब भी पॉसिबल होगा गाइस, जब हमने अगर बैटर को अच्छे से रेडी किए होंगे, फ्रीज किए होंगे। अभी मैं इसे ओपन कर लेती हूँ और इसमें अभी हम चीज़ का स्लाइस ऐड करेंगे, क्योंकि शाही रोल जो है चीज़ी बनते हैं। अभी इन साइड को इस चीज़ पर रखेंगे, इस साइड को भी चीज़ के ऊपर रखेंगे। चिकन बटर का लेयर बिल्कुल स्लिम होना चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, वरना हमें मुश्किल आएगी। यहाँ से भी हम इस पर इस तरह से अभी इसे धीरे धीरे पलटते जाएंगे, टर्न कर लेंगे। इसी तरह सेकेंड राउंड को भी टर्न कर लेंगे और अच्छे से इसे रैप कर लेंगे। इस रोल को हमें अच्छे से टाइटली रैप करना होगा। ये देखिए गाइस, इसमें टाइटनेस आनी चाहिए। देखिए गाइस, इस तरह से हमने इसे रैप किया है। अभी हल्के हाथों से इसे पुश कर लेंगे और ये जो साइड है इसे भी हम लाइटली इस तरह प्रेस कर लेंगे। शाही चीजी चिकन बनाकर हमने रेडी कर लिए है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरी इसकी रेसिपी बताई है, इसी तरह मैं सभी रेडी करती हूँ फिर आपको बताती हूँ, ठीक है गाइस। सो गाइस, सभी रोल को मैंने रेडी कर ली हूँ। अंडे में डिप करेंगे, बटर क्रम उस पर कवर करके फ्राई कर लेंगे। अभी इसे अंडे में डिप कर लेती हूँ।
इस पर हम ब्रेड कवर कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए गाइस, हमने इसे ब्रेड क्रम से अच्छे से कवर कर लिए हैं। इसी तरह मैं सभी रोल्स को एग्स में डीप करके ब्रेड क्रम अप्लाई करके फ्राई करते वक्त आपसे मिलती हूँ। ऑयल को गरम कर लिए है गाइस रोल को फ्राई करने के लिए। अभी मैं गैस की फ्लेम को स्लो करती हूँ और इसमें इन रोल को ऐड करती हूँ। ओवर क्राउड नहीं करना होगा। एक बैच में इतने ही रोल मैंने ऑयल में पुट की हूँ। इसे टर्न करके देख लेंगे। वाओ, कितना अच्छा सुनहरी कलर आ रहा है। स्लो फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना होगा, अच्छे से डीप फ्राई करना होगा, क्योंकि हमने कच्ची चिकन के रोल रेडी किए हैं और उसमें एग्स का भी लेयर लगाया है। वाओ, ये काफी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। डिश आउट करती हूँ, नेक्स्ट बैच स्टार्ट कर लेती हूँ। ठीक है गाइस, सेकेंड बैच स्टार्ट कर ली हूँ गाइस मैंने। अभी इन सभी को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। बन के तैयार है चीजी चीजी चिकन शाही रोल्स। उम्मीद है कि आप सभी को ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। इसे एक बार जरूर ट्राई करो। आप इसे इफ्तार में भी रेडी कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। नॉर्मल डेज में भी चिकन की कोई नई रेसिपी ट्राई करना है तो ये जरूर कीजिएगा। आपको पता है शादियों के स्टार्टर में ये रेसिपी इंक्लूड किया जाता है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही खाने में लजीज और टेस्टी लगती है। ऐसी नई नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में आपका फीडबैक शेयर करना कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आज का ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। चलिए, अल्लाह हाफिज़।